डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांसोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक चेन शॉर्टिंग ऑफ एल्डोस। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोस यानी एल्डोस की कार्बन जो श्रृंखला होती है उन कार्बन श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि, और दूसरा है एल्डोस के जो कार्बन श्रृंखला है उन श्रृंखला में चेन जो है उसके अंदर कमी, जिसको हम एसेंडिंग ऑफ एल्डोस सीरीज तथा डिसेंडिंग ऑफ एल्डोस सीरीज कहा जाता है। यानी एल्डोस की श्रृंखला के अंदर एल्डोस का आरोहण तथा एल्डोस का अवरोहण। एल्डोस के आरोहण में हमने मेथड पढ़ा था कील यानी फिशर सिंथेसिस, जिसके अंदर एल्डो पेंटोस को एल्डो हेक्सोस में परिवर्तित किया था। एल्डो पेंटोस जो कि 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको एक अधिक कार्बन युक्त यानी 6 कार्बन युक्त एल्डो हेक्सोस प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से एल्डोस के श्रृंखला में जो अवरोहण है यानी डिसेंडिंग ऑफ एल्डोस सीरीज, जिसके अंदर 3 मेथड है, वॉल डिग्रेडेशन मेथड, रफ्स मेथड और विर्मांस मेथड, जिसमें से हमने होल डिग्रेडेशन जो मेथड है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोस के अंदर परिवर्तित किया था। तो होल डिग्रेडेशन मेथड के अंदर का जो एल्डो हेक्सोस है उस एल्डो हेक्सोस की अभिक्रिया पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा, जिससे ऑक्सिम बनता है और उस ऑक्सिम का उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकरण द्वारा साइनोग्लूकोज बनता है, और साइनोग्लूकोज का जब हम अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक कार्बन पर 2 OH समूह डाइहाइड्रिक एल्कोहल समूह युक्त यौगिक प्राप्त होता है, जो तुरंत एक H2O रिमूव करके एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोस प्राप्त होता। अब देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दूसरा है जो रफ्स मेथड। रफ मेथड के अंतर्गत भी एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोस के अंदर परिवर्तित किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो 6 कार्बन युक्त एल्डो हेक्सोस है CHO OH HCOH 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 H and CH2OH, ये 6 कार्बन युक्त एल्डो हेक्सोस है। इस एल्डो हेक्सोस का सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में। तो ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में जब इस एल्डो हेक्सोस यानी जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो आगे हमने पढ़ा था
कि ये जो एल्डिहाइड समूह है ये ऑक्सीडेट होकर के ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। तो पहले एडो एक्सोस ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति और CCl4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहां से CHO समूह ऑक्सीकृत होकर के COH में परिवर्तित हो जाएगा और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इस ग्लूकोनिक एसिड का आगे सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का लवण और फेंटोन रिएजेंट फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन परोक्साइड का मिश्रण होता है जिससे फेंटोन रिएजेंट कहा जाता है। तो सोडा लाइम और फेंटोन रिएजेंट की उपस्थिति में जब इस ग्लूकोनिक एसिड को हीट किया जाता है तो यहां से एक CO2 अणु और एक H2 अणु रिमूव हो जाएगा और 5 कार्बन युक्त इस तरह से 5 कार्बन युक्त एल्डो पेंटोज प्राप्त होता है प्लस CO2 प्लस H2 रिमूव। तो रफ्स मेथड के अंदर एल्डो हेक्सोज होता है उसका पहले ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बनता है और इस ग्लूकोनिक एसिड को सोडा लाइम और फेंटोन रिएजेंट की उपस्थिति में आगे हीट करेंगे तो एक CO2 अणु और एक H2 अणु रिमूव होकर के CHO CHOH 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 CH2OH 6 कार्बन के जगह में एक कम कार्बन युक्त यानी 5 कार्बन युक्त एल्डो पेंटोज प्राप्त होता है। तो इस मेथड को हम रफ्स मेथड कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा विर्मान मेथड। नेक्स्ट देखिए तीसरा विर्मान मेथड। विर्मान मेथड भी एल्डो एक्सोस से एल्डो पेंटोज यानी डिसेंडिंग ऑफ एल्डो सीरीज का मेथड है। इसमें सबसे पहले एल्डो एक्सोस यानी जो ग्लूकोज है ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त करते हैं CHO CHOH का होल थ्राइस होल फोर CH2OH ये एल्डो एक्सोस 6 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट एल्डो एक्सोस है। इसका सबसे पहले ब्रोमीन वाटर के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है।
पहले स्टेप में एडो एग्जोस्ट का ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, जिससे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। इस ग्लूकोनिक एसिड को आगे दूसरे स्टेप में डायल्यूट HCl की उपस्थिति में हीट करते हैं तो गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ कार्बन से एक H और फर्स्ट कार्बन से एक OH समूह H2O के रूप में रिमूव हो जाता है और इस तरह से गामा लैक्टोन बनता है। C1 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू C4 कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। C1 और C4 कार्बन पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हीट करेंगे तो H2O वाला रिमूव होकर के ये कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू C4 कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, जिससे गामा लैक्टोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर इस गामा लैक्टोन को अमोनिया के साथ में गर्म करते हैं। NH3 के साथ हीट करने पर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ में और NH समूह कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। एमाइड बनता है। ग्लूकोज का एमाइड बनेगा, यहां से NH समूह CO के साथ में जुड़ करके CONH2 एमाइड बना देगा और एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वापस COH बन जाएगा। अब आगे इसमें रीअरेंजमेंट होता है, पहले इसको हीट करके CONH2 समूह है एसिटामाइड हेक्सोस, उसे सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ में गर्म करने पर रीअरेंजमेंट के द्वारा आइसोसाइनेट बनता है। अब इसको NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में हीट करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु NaO के साथ जुड़ करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देता है और एमाइड एक्सो संरचना है वो इस प्रकार से आगे
आइसोसाइनेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब आगे इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ये नाइट्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और इस तरह से N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COH H COH का होल थ्राइस CH2OH आइसोसाइनेट बनता है। इस आइसोसाइनेट को आगे क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। बेस की उपस्थिति में जब आगे इसको हीट किया जाता है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, NaNCO अलग हो जाएगा, आगे CHO CHOH का होल थ्राइस CH2OH। आप देख रहे हैं एक कम कार्बन युक्त फाइव कार्बन युक्त एल्डो पेंटोज प्राप्त होता है। तो इस तरह से विर्मान मेथड के अंदर एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोस के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा जिससे एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। इसको दूसरे स्टेप में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो यहां से H2O अणु रिमूव होकर के C1 C4 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएंगे जिससे गामा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। इस गामा इलेक्ट्रॉन को आगे अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा और NH2 समूह CO के साथ जुड़ करके CONH2 बना देगा, हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके COH बना, ये एमाइड बनता है, हेक्सोस एमाइड हेक्सोस बनेगा। इस एमाइड हेक्सोस को आगे सोडियम ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में हीट करेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एक हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एसिडामाइड से C डबल बॉन्ड O N समूह बनेगा जिसमें रीअरेंजमेंट होकर के साइनेट से आइसोसाइनेट बना देता है। यहां रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन होगा वो यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, आगे सी डबल बॉन्ड ओ यानी एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा पुनर्विन्यास के थ्रू, आइसोसाइनेट बनेगा। फिर आगे इसको बेस की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के इस सोडियम के साथ NaNCO अलग हो जाएगा और ये कार्बन परमाणु के साथ CHO CHOH का होल थ्राइस CH2OH रह जाएगा। तो एल्डो जो 6 कार्बन युक्त आइसोसाइनेट था जो NaNCO के रिमूव होने के बाद एल्डो पेंटोज बना देता है। तो इस प्रकार से विर्मान मेथड के अंदर एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोज में परिवर्तित किया जाता है। तो चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोज या एल्डोज की अवरोहण के अंदर तीन विधियां होल डिग्रेडेशन मेथड, रफ मेथड और विर्मान मेथड के द्वारा एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोज में परिवर्तित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में
मोनोसैकेराइड से उसका कॉन्फ्यूग्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।